Don't move. Go straight. जी आज हम आनंदी और एमली के सेट पे जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने वाले हैं और हम नई हांडी करने वाले हैं जहाँ पे हम इसे फोड़ने वाले हैं। होपफुली पता नहीं कौन फोड़ेगा, बाप फोड़ेगी, मैं फोड़ूंगा, भाभी फोड़ेगी, पता नहीं। कुंजा, you know what that is? Yeah. What is it? It's called Dahi and Sain. Okay, and what is the festival we are celebrating? No, he's your new friend now. See? Hare Krishna, kaharap. Please help me. जी, so हम काफी excited हैं इस चीज को लेके and I'm looking forward to doing this. कभी life में नहीं किया लेकिन आज set पे करने वाले। I'm excited. How excited? On a scale of 1 to 10, how excited are you? This much. On a scale of 1 to 10? 20. Oh my God. जब बचपन में थे हम जो छोटे थे जब छोटे थे तो तब बहुत एक्साइटमेंट रहती थी और एक्साइटमेंट इस चीज़ की रहती थी कि शाम को मंदिर बहुत हमारे नॉर्थ में सजाए जाते हैं, जैसे दिवाली के ऊपर सजाए जाते हैं, लेकिन उससे उसके अलावा बाकी त्योहारों पर इतना नहीं सजाते थे। सिर्फ जन्माष्टमी ही एक ऐसा त्यौहार होता था जहाँ रात तक मंदिर खुला रहता है और बहुत सारी झांकियां, बहुत सारे ऐसे वो होते हैं ना, बना के पूरा सीन, पहाड़ बना हुआ है, पानी आ रहा है वहां से और कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और पूरी कहानियां, पूरा दिन वही कहानियां, वही, और हर स्वरूप में हमें कृष्ण देखने को मिलते थे। वो मुकुट लगाए छोटे छोटे बच्चे कई बार हमें भी बोलते थे राधा बनो राधा बनो, तो वो तब उस टाइम पे हम ये देखते थे। अब बड़े होकर तो सब नहीं देखा है। 12 बजने की वेट करते थे, उसके बाद जब कृष्ण जी का जन्म होता था तो फिर झूले से झूला देते थे और बस यही होता था, खाना खाते थे फिर घर चले जाते थे। कैसे मनाई जाती है वो? तो जन्माष्टमी का ये जो होते हैं जो पलने में झुलाते हैं कृष्ण भगवान को, केसरी रंग के जो ऑरेंज कलर के जो कपड़े होते हैं वो पहनाते हैं, बहुत सारे ज्वेलरी, बहुत सारा होता है, पूरा पलना जो है उसको सजाते हैं लिटरली वेरी ब्यूटीफुली, जो ट्रेडिशनली करते हैं, और पलने में झुलाते हैं, प्रसाद चढ़ता है, भोग चढ़ता है, और अष्टमी का जो व्रत होता है उस दिन रहता है, जो एकादशी में जो हम खाते हैं फास्ट का, तो अष्टमी के दिन वो व्रत होता है जहाँ व्रत का खाना होता है, बहुत सारी मिठाइयाँ, ऑफकोर्स दही होता है, मीठा दही होता है कृष्ण भगवान के लिए, एंड ट्रेडिशनली दिस इज व्हाट इज डन, एंड देन दही हांडी, तो ऑफकोर्स इट्स ऑल द व्यूअर्स ऑफ टेली रिपोर्टर विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू यू हैप्पी जन्माष्टमी। नमस्कार, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आज हम वही करने वाले हैं जो कृष्ण कन्हैया करते थे, माखन के लिए मटकी तोड़ते थे। तो आपने सभी ने देखी होगी कि यहाँ पे मटकी बंधी हुई है और यहाँ पे दो टीम है, एक टीम है एमिली की और एक टीम है बाकी। तो ये ऐसा है, तो गेम कुछ ऐसा है कि इसे मटकी, इस मटकी को तो तोड़ना तो है लेकिन थोड़े से एक ट्विस्ट के साथ। वो क्या है ट्विस्ट? वो ट्विस्ट ये है कि हर पार्टिसिपेंट को उसके आंखों में पट्टी बांधी जाएगी और उसे ऐसे इस डंडे से जज करके इस मटकी को फोड़ना है। जो जो टीम का प्लेयर मटकी फोड़ेगा वो टीम जीत जाएगा। Come on, straight.
टूट चुका है और फाइनली अनाउंस विनर्स आर बागी टू।